फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। जिनके पार्टनर उनको इग्नोर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मेरे को बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। हम सिर्फ यही देखेंगे कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है आपको इग्नोर करने का। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है। मैं चार कार्ड लूँगी, फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आप भगवान का नाम लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को करेक्ट आंसर दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर है वो उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, उनसे अच्छे ढंग से बातचीत क्यों नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर रहे। चलिए पहले मैं कार्ड ओपन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, आपके लाइफ में या तो कोई न्यू पर्सन आएगा, ठीक है, या यही पर्सन सुधर कर आपके पास आएगा और आपके पार्टनर का आपके पास आपको इग्नोर करने का रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को कोई लॉस हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है जिसकी वजह से वो बर्डन में है, या उनके घर में कोई बीमार है, या किसी की हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, या हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ की कोई दिक्कत हो जिनकी वजह से वो आपको अपने से दूर रख रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, ठीक है, और वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन आपको नहीं दे रहे, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो मेरे को सेकंड दिख रहा है, एक मेरे को रीज़न ये है कि वो या तो वो बीमार है, या उनके घर में कोई बीमार है, या वो खुद किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, या अगर उनके घर में कोई बीमार है, किसकी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पार्टनर के कंधों पे बहुत बर्डन है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कोई जॉब का इशू हो सकता है आपकी ही वो बर्डन ले रहे हों क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। और जो सेकंड मेरे को दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कोई और भी हो, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ी मूव ऑन एनर्जी में है जो मेरे को दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पे भी ये है वहाँ बहुत बर्डन के साथ है, क्योंकि बर्डन इनके दिमाग पे बहुत है। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे, आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिस सन का कार्ड आया। दिस सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। सन का मतलब होता है नई शुरुआत, ये आपको भी पता है। और जहाँ पे येलो एनर्जी आ जाती है ना, ये देखिए, ये सूरज है, किरणें निकल रही हैं, ठीक है। ये जो बंदा है ना, ये ऐसा एक इस कार्ड को मैं आपको बताती हूँ, ये जो बंदा है ना, ये ऐसा बंदा है, ये सब कुछ कर सकता है, इसके पास हर चीज़ का हल है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये भागता है, क्योंकि ये बंदा एक जगह पे स्टिल नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता एक जगह पे, ठीक है ना। अगर ये आगे बढ़ता है ना किसी भी सक्सेस की तरफ, लेकिन इसका ध्यान पीछे है, और क्योंकि इसको और चीज़ें चाहिए। अगर किसी इसको लगता है ना ये चीज़ मेरे को नहीं मिले, तो ये मूव करता है उस चीज़ से। जी सन का कार्ड, तो वो सन का कार्ड आ गया तो समझो एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन देंगे, आपके साथ बात करेंगे, और जो उनकी लेकिन अभी जो स्टिल चल रहा है वो ये है कि वो इस वक्त ना नेगेटिविटी में है। नेगेटिविटी मतलब उनके ऊपर खुद ही इतनी बर्डन, इतनी स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। देखिए मैं एक बात बताऊँ, कई लड़के ऐसे होते हैं जो थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, कई लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, कई लड़के ऐसे होते हैं जो अपने घर की प्रॉब्लम्स आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो अपने तक ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी की अलग अलग मतलब सोच होती है। अब आपकी है, लड़कियाँ क्या होती, लड़कियाँ इमोशनल ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर वो किसी को प्यार देती तो इतना देती है कि अपनी जान तक नछावर करने के लिए जाती है, ठीक है। लेकिन लड़के भी कई ऐसे हैं, मैं ये नहीं बोलती कि लड़के ऐसे नहीं, लड़के भी कई ऐसे अपनी मतलब वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, पर मतलब किसी भी हद तक जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब सामने वाला बंदा भी क्या करे, जब उनके हालात ही इतने ख़राब हो चुके हैं, वो किस किस पे ध्यान दे, ठीक है ना। फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है,
तो इसीलिए ना आप थोड़ा सा ना मतलब मिच्योर होकर रीडिंग को देखा कीजिए, मिच्योर होकर समझो कि ऐसे अगर आप दिन रात रोना धोना करते रहोगे तो ऐसे रोने धोने से आपके पार्टनर वापस तो नहीं आ जाएंगे। मैंने देखा कमेंट्स में लड़कियां मतलब सच्ची मतलब इतना बुरा हाल कहीं का तो हो चुका ना, मतलब दिन रात तड़प रही है, मतलब भी मैसेज नहीं आया दी, मैसेज नहीं आया दी, उसने मेरे से बात नहीं की दी, उसने मुझे इग्नोर कर रहा है दी, वो मुझे ये बोल रहा है दी, वो कर, मेरे को देख देख के इतनी तकलीफ होती है ना, मैं बता नहीं सकती। आपकी नेगेटिव एनर्जी मेरे पे हावी हो जाती है पता है। सो प्लीज पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंड रखो, पॉजिटिव अपने पर्सन को वाइब सेंड करो। ओके, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल नैना स्टैरोवर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय।